जहां एक तरफ देश भर में 72वां गणतंत्र दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर गणतंत्र दिवस के दिन किसानों द्वारा की जा रही ट्रैक्टर रैली एक उग्र रूप लेती हुई नजर आई। वहीं इसी बीच हम आपको एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो कि प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस पर अपनी जान बचाते हुए नजर आए। जी हाँ, ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो रहा है जिसको देखकर काफ़ी लोग हैरान हो रहे हैं। वहीं इस वीडियो में पुलिस बल प्रदर्शनकारियों से अपनी जान बचाकर लाल किले की 15 फीट ऊंची दीवार से नीचे कूदते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है जहां दर्जन भर पुलिस वाले व सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों से अपनी जान बचाकर परिसर की 15 फीट ऊंची दीवार से कूदते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे उपद्रवियों के द्वारा लाठी व डंडों के साथ पुलिस वालों पर हमला किया जा रहा है। वहीं इस दौरान कई पुलिस वाले तो इस दौरान अचानक दीवार से नीचे गिरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में आके देखा जा सकता है कि एक ट्रैक्टर लाल किले की रेलिंग से टकराता है, जिसके चलते एक पुलिसकर्मी रेलिंग से सीधा नीचे गिर पड़ता है। वहीं गौरतलब है कि दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में अब तक 300 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर सामने आई है। पुलिस वालों के खिलाफ हमले की यह घटनाएं मुकरबा चौक, गाजीपुर आईटीओ, सीमापुरी, नांगलोई, टिकरी बॉर्डर और लाल किले पर हुई है। पुलिस वालों का कहना है कि आंदोलन के दौरान 8 बसों और 17 निजी वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। उपद्रवियों ने गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर बैरिकेडों को भी उखाड़ फेंका। चंडीगढ़ से आकृति वर्मा की रिपोर्ट।